बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छपरा के पूर्व विधायक सुरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेटी की हत्या करवाने के चलते हुई गिरफ्तारी। बेटी की हत्या की सुपारी देने के मामले में गिरफ्तार हो गए पूर्व विधायक। बेटी की अंतर जातीय शादी से नाराज थे, खफा थे पूर्व विधायक। पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के भाइयों की भी हत्या इन्हीं शूटर्स ने की थी। पुलिस ने कुख्यात छोटे सरकार और उसके गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया। पांडव गिरोह का सक्रिय सदस्य है छोटे सरकार। 2 महीने में 7 हत्याकांड को अंजाम दे चुके हैं। सुरेंद्र शर्मा के सहयोगी ज्ञानेश्वर शर्मा भी आपको बता दें गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बेटी की हत्या करवाने के चलते पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई है। बेटी की हत्या करवाने के लिए पिता सुरेंद्र शर्मा ने सुपारी दी थी। अंतरजातीय विवाह से खफा थे पूर्व विधायक। लोगों को सीनियर सर के द्वारा टीम बनाई गई और पूर्व विधायक सुरेंद्र शर्मा जो छपरा के हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है और उनके साथ एक ज्ञानेश्वर शर्मा है जो कि उनका एक शर्मा बस चलती है तो उसका पूरी देखभाल करते हैं और उन्होंने भी लड़की को कई बार धमकी दी थी ज्ञानेश्वर ने। और ज्ञानेश्वर भी जब ये सुपारी देने आए थे तो उस टीम में जो 3-4 लोग आए थे बेटा में तो ज्ञानेश्वर भी जो है वहाँ पर साथ में था तो उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश जुड़ रहे हैं पटना से। रितेश, ये जो कामयाबी मिली है पुलिस को, कितना वक्त लगा इसमें, कितनी चुनौतीपूर्ण थी ये कार्रवाई? सबसे बड़ी बात है कि लगातार अगर पटना में देखा जाए तो हत्याओं का ग्राफ बढ़ चुका है और ऐसे ऐसे लोगों की हत्या हो रही है जो काफी रसूखदार माने जाते हैं और इसी क्रम में चितरंजन शर्मा काफी ही कद्दावर नेता है, पांडव गिरोह से ताल्लुक रखते थे, एक समय बीजेपी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। कुछ दिन पहले आपको ज्ञात होगा कि उनके दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके पहले उनके चाचा अभिराम शर्मा और उनके बेटे की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी क्रम में ये पूरी जो जांच है वो आगे बढ़ रही थी क्योंकि लगातार राजनीतिक प्रेशर भी था, लोगों का भी प्रेशर था। इसी क्रम में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया और जब सारी चीजों को कड़ी दर कड़ी मिलाया गया तो ये पता चला कि ना सिर्फ ये चितरंजन शर्मा के जो दोनों भाइयों की हत्या हुई थी उसमें शामिल थे, उनके चाचा की हत्या हुई थी उसे इसी अपराधियों ने अंजाम दिया, बल्कि छपरा के पूर्व विधायक सुरेंद्र शर्मा है, शर्मा ट्रेवल्स नाम से उनकी बस चलती है, उन्होंने अपनी बेटी की हत्या की सुपारी इसी छोटे सरकार को दी थी। बेटी पर फायरिंग भी हुई लेकिन वो बाल बाल बच गई। उसके बाद पुलिस ने दबिश बिठाई, जाल बिछाया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सारी कार्रवाई हुई। अपराधियों को जब पकड़ा गया तो कई अहम खुलासे हुए। दरअसल सुरेंद्र शर्मा छपरा के काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं और इनकी बेटी ने दूसरी जाति में यानी अंतर जातीय विवाह किया था। इस बात को लेकर बेहद नाराजगी थी, फिर इन्होंने संपर्क साधा और इसने इस पूरे काम में उनकी मदद की। उनके शर्मा ट्रेवल्स के जो कर्ता धरता है ज्ञानेश्वर शर्मा, उन्होंने उनकी मदद की, लोगों से मिलवाया और उसके बाद ये प्लान बनाया कि विधायक जी की जो बेटी है उसकी हत्या कर देनी है। जो नौ निर्मित गंगा पथ है वहां पर अपराधियों ने लड़की पर गोलीबारी की लेकिन बाल बाल इस घटना में वो बच गए। लेकिन जब गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी होने के बाद ये खुलासा हुआ कि चितरंजन शर्मा के दोनों भाइयों की पत्रकार नगर में हत्या हुई थी, उसमें भी यही शूटर शामिल थे। इसके अलावा अगर बात करें चितरंजन शर्मा के चाचा अभिराम शर्मा है उनकी हत्या हुई थी, उनके बेटे की हत्या हुई थी। आपसे जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी धाराएं लगाई गई होंगी और कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी आगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि संजय सिंह पर शुरू से ही चितरंजन शर्मा ने शक जताया था, साफ तौर पे कहा था कि संजय सिंह ने ही उनके भाइयों और उनके चाचा की हत्या करवाई है। और पांडव गिरोह की बात करें तो पांडव गिरोह में कुल 5 लोग सरगना थे जिसमें चितरंजन शर्मा भी एक समय थे, संजय सिंह भी थे और बाद में दोनों में अदावत होगी और अदावत इतनी बढ़ रही कि दोनों तरफ से लगातार हत्याओं का जो दौर है वो चलता है। फिलहाल जो अपराधी हैं यानी ये चारों जो अपराधी हैं इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और आईपीसी के तहत पूरा मामला दर्ज किया गया है, अवैध हथियार रखने का भी मामला दर्ज किया गया है और हत्या का तो मामला दर्ज ही है, इसके अलावा हत्या की कोशिश का भी मामला इन पर दर्ज हुआ है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि पुलिस ने भड़ले थोड़ी देर की लेकिन चलिए इन अपराधियों को पकड़ लिया है और इनकी गिरफ्तारी के बाद पटना में जो हत्याओं का सिलसिला लगातार बढ़ रहा था अब उसमें बिल्कुल रितेश ये बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए भी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर प्रश्नचिन्ह लग रहे थे उसमें भी
कहीं ना कहीं अब थोड़ी कमी आनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरेआम अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, गोलियां तक चला देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपडेट के लिए।